हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आपका भाई हाजिर है वैकेंसी के साथ। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि आज जो वैकेंसी आ रही है वो आ रही है नालको की तरफ से। यहाँ पे बी बी टेक वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे आपका बेसिकली इंटरव्यू होने वाला है, इंटरव्यू बेस पे आपको गवर्नमेंट जॉब दिया जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, ठीक है मेरे भाई। तो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से आपका कुछ जाएगा नहीं, लेकिन हमको डबल मोटिवेशन मिलता है ऐसे बेहतर वीडियो बनाने का। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में जो घंटी का आइकन है उसको दबा दे, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पर इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं मेरे भाई, यहाँ पे जो वैकेंसी आ रहा है वो आ रहा है नालको की तरफ से, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की तरफ से। यहाँ पे वैकेंसी आ रहा है जो कि आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे इंटरव्यू बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। इसी वीडियो में मैं आपको अप्लाई का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अप्लाई का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डायरेक्टली वहां पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे सर्च बार दिख रहा है, आपको यहाँ पे नालको लिखना है। साइड में आपको सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो फर्स्ट नंबर वेबसाइट आ रहा है आपको इसी पे क्लिक करना है। यहाँ पे पहले ही सारे टैब्स मैंने ओपन कर रखा है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं मेरे भाई। तो यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है आपको पूरा बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको मेन्यू का ऑप्शन दिख रहा है मेरे भाई। इसी मेन्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको कैरियर का पेज दिखेगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे कैरियर का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे न्यू टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे पहले ही सारे टैब्स मैंने ओपन कर रखे हैं मेरे भाई, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे टेक्निकल का, ठीक है, फाइनेंस का, और बहुत सारी वैकेंसी निकल रखी है जिसमें बी बी टेक वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस पीडीएफ वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे वैसे ही जैसे एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे पीडीएफ को डाउनलोड कर लेते हैं, उसका पूरा एनालिसिस कर लेते हैं कौन कौन एलिजिबल है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड हो चुका है। तो यहाँ पे पूरा प्रोसेस देखने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिएगा मेरे भाई। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं मेरे भाई, यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। अगर आपको इस पीडीएफ का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्टली वहाँ पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा पढ़ सकते हैं। यहाँ पे वैकेंसी आ रहा है नालको की तरफ से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस रहने वाला है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे वैकेंसी आ रहा है। रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकल रखा है, तो स्टेप बाय स्टेप पूरा डिस्कस करने वाला है। तो यहाँ पे वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। यहाँ पे डिसिप्लिन क्या रहेगा, पोस्ट कौन सी रहेगी, ग्रेड आपका कौन सा रहने वाला है, वैकेंसी कितनी निकली है, क्वालिफिकेशन आपका क्या रहने वाला है, एक्सपीरियंस क्या मांगा, उस सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाला है। तो हम यहाँ पे सिर्फ ओनली फॉर यहाँ पे हम टेक्निकल वैकेंसी को डिस्कस करेंगे मेरे भाई, ठीक है। अगर आपका कोई भाई बंधु है जिन्होंने बी ए बी कॉम या फिर एम बी ए किया है या फिर बी कॉम किया है, तो उसको यहाँ पे मैंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जो बात करने वाले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो वैकेंसी निकल रखा है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहला जो वैकेंसी आ रहा है वो आ रहा है मैनेजर का, सिस्टम आपका डिपार्टमेंट रहने वाला है। नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 3 निकल रखी है, ओबीसी के लिए यहाँ पे 1 है, यूआर के लिए यहाँ पे 2 है, ठीक है। यहाँ पे डिग्री इन इंजीनियरिंग मांगी है, किसी भी ब्रांच वाला बंदा यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। विथ यहाँ पे बोला गया है डिप्लोमा चाहिए कंप्यूटर साइंस के अंदर 2 ईयर का, ठीक है। 2 ईयर से कम का यहाँ पे डिप्लोमा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपीरियंस मांगा गया है, कैंडिडेट शुड हैव एक्सपीरियंस एज एन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन गवर्नमेंट और पीएसयू सेक्टर के अंदर या फिर रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यहाँ पे उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। टेबल 2 के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है, जो कि टेबल 2 यहाँ पे नीचे दी गई है, तो आपको पूरा बताने वाला हूँ, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो दूसरा वैकेंसी आ रहा है वो मैनेजर का, जनरल मैनेजर का वैकेंसी है, सिविल डिपार्टमेंट आपका रहने वाला है, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 2 है, जो कि यूआर के लिए यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, यहाँ पे डिग्री मांगा है सिविल के अंदर, आर्किटेक्चर के अंदर, सिरेमिक के अंदर, यहाँ पे इंजीनियरिंग डिग्री मांगा गया है, ठीक है। एक्सपीरियंस की बात करें, यहाँ पे कैंडिडेट शुड हैव एक्सपीरियंस एज ए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन गवर्नमेंट सेक्टर या फिर पीएसयू के अंदर या फिर रेपुटेटेड लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। टेबल 2 के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। टेबल 2 का जो डिस्क्रिप्शन है वो नीचे दिया गया है, पूरा देख सकते हैं, आपको पूरा बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे डिप्टी मैनेजर का लॉ का वैकेंसी आ रखा है, आप अगर कोई भाई बंधु जिन्होंने लॉ कर रखा है उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, या फिर उसको वीडियो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। जो हम बात करेंगे वो हम बात करने वाले ओनली फॉर इंजीनियरिंग वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिप्टी मैनेजर का वैकेंसी, यहाँ पे माइनिंग आपका डिपार्टमेंट रहने वाला है, डिग्री और इक्विवेलेंट डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग में होना चाहिए फर्स्ट
यहाँ पे बोला है फर्स्ट क्लास से आपका पास आउट होना चाहिए और एक्सपीरियंस मांगा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है गवर्नमेंट और पीएसयू सेक्टर के अंदर, या फिर अगर कोई रेपुटेटेड कंपनी है उसमें यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है टेबल टू के अकॉर्डिंग। टेबल टू यहाँ पे नीचे दी गई है तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ग्रुप जनरल मैनेजर का यहाँ पे वैकेंसी है, उसमें ये क्वालिफिकेशन दिया गया है और यहाँ पे जो वैकेंसी आ रहा है वो नंबर ऑफ वैकेंसी एक है, ठीक है। जनरल मैनेजर माइनिंग के अंदर वैकेंसी आ रहा है, आप स्क्रीन पे दे सकते हैं। यूआर के लिए यहाँ पे दो वैकेंसी है, तो पूरा आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली वहाँ पे क्लिक करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम जो बात करने वाले वो बात करेंगे सिर्फ इंजीनियरिंग के बारे में, तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं, थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट वैकेंसी आ रहा है वो आ रहा है डिप्टी मैनेजर का जियोलॉजी के अंदर, ठीक है। जो मेन मेन है वो मैं आपको बता रहा हूँ मेरे भाई के, थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। टेबल टू यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्केल दे रखा है, मिनिमम पीरियड ऑफ एग्जीक्यूटिव ग्रेड एक्सपीरियंस यहाँ पे दे रखा है, सीटीसी आपका कितना रहने वाला है वो यहाँ पे दे रखा है, मैक्सिमम एज कितनी काउंट होगी वो यहाँ पे पूरा दे रखा है, पोस्ट और ग्रेड यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू ग्रेड पे स्केल आपका कितना रहने वाला है, ब्लू ग्रेड पे स्केल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कितना रहेगा, और आपका मैक्सिमम सीटीसी कितना रहेगा लाख में यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। मिनिमम ईयर ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे देख सकते हैं, इस एज इस डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे काउंट होने वाला है, और अपर एज लिमिट यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे काउंट हो जाएगा। आपको ये पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पूरा देख पाएंगे, ठीक है। थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं मेरे भाई, यहाँ पे जो आप मैं जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होने वाला है वो आपका सिलेक्शन शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, आपके मार्क्स के बेसिस पे, आपके आपको कितना एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आपका इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है। थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, यहाँ पे जो मेन मेन चीज़ है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे अप्लीकेशन फीस की बात करें, आपका कोई अप्लीकेशन फीस यहाँ पे चार्ज नहीं रखा गया मेरे भाई, ठीक है, बिल्कुल फ्री का फॉर्म है, तो सारे लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। रिजर्वेशन की बात करें, यहाँ पे कैंडिडेट एस सी एस टी को यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है, ओबीसी वालों को भी यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात आती है मेरे भाई इसको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने का प्रोसेस हम पूरा हम देख लेते हैं कि आपको इसको अप्लाई कैसे करना है। अब बात आती है कि इसको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली वहां पे क्लिक करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे अगर आपने पहले कभी अप्लाई किया है तो आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना है, ठीक है, और जो नीचे कैप्चा कोड दे रखा है उसको यहाँ पे फिल करके यहाँ पे आपको रिमेंबर मी करके, ठीक है, यहाँ पे लॉग इन कर लेना है, नीचे दे रखा है लॉग इन का ऑप्शन, उसके बाद लॉग इन कर लेना है, डायरेक्टली आपको अप्लाई कर देना है, जो डॉक्यूमेंट मांगे वो सबमिट कर देना है। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉरगेट पासवर्ड का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, उससे अपना पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू यूजर रजिस्टर कर रखा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा, तो मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको अपना फुल नेम लिखना है, ठीक है, आपको यहाँ पे आधार कार्ड लिख देना है, जो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है उसको यहाँ पे फिल कर देना है, आधार कार्ड नंबर यहाँ पे आप कर देना है, ठीक है। आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ठीक है, यूजर ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डाल देना है, पासवर्ड आपको डाल देना है, ठीक है, मिनिमम 8 करेक्टर का, और वही पासवर्ड वापस से यहाँ पे डाल के आपको नीचे यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल देना है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई, तो जो कुछ चीज़ें हैं वो यहाँ पे आपको फिल करनी पड़ेगी। प्रोफाइल फोटो आपको डालना है यहाँ पे स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं कैप्चा कोड यहाँ पे डाल के आपको यहाँ पे नीचे क्रिएट यूजर का ऑप्शन आ रहा होगा, नीचे साइड के अंदर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं बता देता हूँ, क्रिएट यूजर का ऑप्शन आ रहा है, आपको डायरेक्टली वहाँ पे क्लिक करके यूजर आईडी क्रिएट कर लेनी है। जैसे आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी उसके बाद आपको एक मेल आएगा आपकी मेल आईडी पे, जो आपने मेल आईडी डाली है उस मेल आईडी पे आपको मेल आएगा, उस मेल को आपको कन्फर्म कर देना है। जैसे आप कन्फर्म करेंगे मेरे भाई तो आपका आईडी क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे आके लॉग इन कर लेना है, लॉग इन करने के बाद आपको डायरेक्टली अप्लाई कर देना है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे भाई। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप डायरेक्टली वहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है, एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा आप कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं ताकि वो जॉब आपके लिए हम ला सकें। एंड व्हाट्सएप टेलीग्राम लिंक्डइन फेसबुक से जुड़ने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे रखे हैं, आप डायरेक्टली वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं मेरे भाई। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।